रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। दोस्तों, श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया यह कविता हम लोग प्रायः बचपन में पढ़ते थे, परंतु उस समय हम इस कविता के अर्थ को गहराई में नहीं लेते थे, क्योंकि इसके इतिहास के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारी नहीं था। परंतु जैसे जैसे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करने लगे, तब हमें जाकर यह समझ में आया कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप के साथ चेतक का नाम बार बार क्यों आता है। श्री श्याम नारायण पांडे जी ने अपनी ये लाइनें उस चेतक के बारे में कहा है जो राणा प्रताप की ही तरह साहसी व फुर्तीला था। चेतक के साहस और फुर्तीलेपन तथा स्वामी भक्ति को देखते हुए बहुत से इतिहासकार और कवि उसकी प्रशंसा गाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। हम चेतक के बारे में कहानियां तो बहुत सुनते हैं, पर आज हम यह जानेंगे कि महाराणा ने ऐसे अद्भुत विलक्षण साहस वाले घोड़े को कैसे और कहां से प्राप्त किया था। ये बात बहुत कम ही लोगों को पता होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम चेतक के उन खूबियों के बारे में बात कर लेते हैं जो उसे अन्य घोड़ों से अलग बनाती है। चेतक की चाल इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही दुश्मनों के बीच से गायब हो जाता था। जब महाराणा चेतक पर सवार होकर युद्ध में उतरते थे तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। चेतक और महाराणा की जोड़ी से दुश्मनों में खलबली मच जाती थी। हल्दी घाटी के मैदान में दुश्मनों ने चेतक की वीरता और साहस को देखा। वे उसके चाल और वीरता को देखकर दंग रह गए थे। हल्दी घाटी के भीषण संग्राम में महाराणा चेतक पर सवार होकर दुश्मनों का सर्वनाश कर रहे थे। राणा प्रताप का चेतक राणा प्रताप की ही तरह साहसी और निडर भी था। एक बार तो ऐसा हुआ, युद्ध के मैदान में चेतक उछलकर एक हाथी के मस्तक पर चढ़ गया, जिससे महाराणा अपने भाले से हाथी पर सवार दुश्मन को मार सके। महाराणा चेतक के चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगा दिया करते थे, ताकि युद्ध में दुश्मनों के हाथियों को कन्फ्यूज किया जा सके। चेतक वीर होने के साथ ही वह बहुत बड़ा स्वामी भक्त भी था। वह महाराणा के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपनी कटे हुई टांग से ही 26 फीट बरसाती नाले को एक ही छलांग में पार कर गया था, जिसे दुश्मनों के घोड़े पार नहीं कर पाए। परंतु चेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा करके खुद अपने प्राण गंवा बैठे। महाराणा चेतक को अपने पुत्र के समान मानते थे। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा भारी शोक में डूब गए थे। दोस्तों, एक बार की एक रोचक घटना के बारे में आपको बताता हूँ जो बहुत कम ही लोगों को ज्ञात होगा। एक बार महाराणा अपने चेतक को लेकर जंगल में अकेले ही निकल गए। जंगल में घूमते घूमते उनको बड़ी तेज प्यास लगी। जब वो पानी पी रहे थे, तभी एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। महाराणा और शेर के बीच जंग होने लगी। जब चेतक ने देखा कि उसके स्वामी पर खतरा मंडरा रहा है, तो चेतक शेर के ऊपर अपने पैरों से तेजी से प्रहार करने लगा। घोड़े की टापों से शेर की हालत खराब हो गई, और इस प्रकार महाराणा और चेतक ने मिलकर उस शेर को वहीं मार गिराया। एक बार की और घटना है। युद्ध में एक बार महाराणा प्रताप बेहोश हो गए थे। जब उनको होश में लाया गया, तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मेरा चेतक कैसा है। सिपाहियों ने कहा वह ठीक है, लेकिन वह खाना पीना छोड़ दिया है। उसके बाद महाराणा ने खुद जाकर चेतक के कानों में उसे समझाया, तब जाके चेतक ने खाना पीना प्रारंभ किया। दोस्तों, ये थी चेतक के बारे में रोचक जानकारियाँ। अब हम आपको बताते हैं कि महाराणा ने चेतक को कैसे प्राप्त किया था। यह अभी एक बहुत रोचक घटना है। एक बार एक अरब व्यापारी ने 3 घोड़े चेतक, त्राटक और अटक को लेकर महाराणा के दरबार में हाजिर हुआ, और वह महाराणा प्रताप से इसे खरीदने के लिए आग्रह करने लगा। महाराणा ने व्यापारी से कहा, आखिर इन घोड़ों में ऐसी क्या खासियत है कि तुम मुझे बेचने के लिए लाए हो। व्यापारी ने बताया, महाराज, इन घोड़ों को एक खास प्रशिक्षण दिया गया है। ये मालिक के हर हुक्म को मानते हैं और अपने स्वामी के लिए अपनी जान तक भी दे सकते हैं। महाराणा इन घोड़ों को परीक्षण के लिए एक बड़े मैदान में ले गए। व्यापारी ने सबसे पहले अटक घोड़े के चारों ओर बहुत खतरनाक कांच लगवा दिए। उसके बाद मालिक व्यापारी ने एक विशेष आवाज निकाली, जिसके तुरंत बाद वह अश्व कांच पर कूद गया और वहीं उसका अंत हो गया। यह बात महाराणा देखकर दंग रह गए। उन्होंने दोनों घोड़ों को ले लिया और त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया, पर एक घोड़ा जो उन सब में विशेष था, उसमें किसी प्रकार की रस्सी नहीं लगी हुई थी। व्यापारी ने बताया, महाराज, यह केवल अपने स्वामी का आदेश मानता है, बाकी किसी का आदेश नहीं मानता। यह स्वभाव से बड़ा ही उदंड है, पर अगर अपने मालिक को मान ले तो उसके लिए अपनी जान भी गंवा सकता है। कहा जाता है कि महाराणा ने उसके खुरों में परीक्षण के लिए लोहे की किसी मजबूत वस्तु के साथ जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद प्रताप घोड़े पर सवार होकर उसे चाबुक लगाकर एड़ लगाई। फिर क्या था, घोड़े ने ऐसी छलांग लगाई कि उसके खूर लहूलुहान हो गए और वह पूरे मैदान में लहूलुहान होकर दौड़ता रहा। जब महाराणा घोड़े से उतरे, तब जाकर घोड़ा शांत होकर वहीं बेहोश होकर गिर गया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने उस घोड़े को व्यापारी से खरीद लिया। कहा जाता है चेतक का शुरुआती नाम आलम था, परंतु महाराणा ने उसका नाम चेतक रख दिया था। दोस्तों, ये थी महाराणा को चेतक के मिलने की कहानी। ऐसे ही वीडियो पाने
पाने के लिए मेरे चैनल वाईपी कमल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।